नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताऊंगा कि आधार का जो पोर्टल है, ये इस प्रकार का पोर्टल वो कैसे काम करता है, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ मैं पैन कार्ड का, ठीक है। पैन कार्ड देखिए, आप कुछ भी डाल दो इसमें पैन कार्ड बन जाएगा। देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये पैन है और पैन अपडेट, पैन मैनुअल प्रिंट। देखिए यहाँ पे इसने ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अब पैन मैनुअल प्रिंट पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके हम यहाँ डालते हैं पैन नंबर, कुछ भी डाल दो। देखिए मैं पैन नंबर गलत डालूँगा, फिर भी देखो ये एक्सेप्ट करेगा। हम एक्स वाई जेड नाम है, ठीक है, एक्स वाई जेड। फादर का नाम भी एक्स वाई सी जो भी है आपका डाल दो यहाँ पे, और इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दो 1900, यानी 100 साल पहले ही डाल दो, कुछ भी डाल दो इसमें। और अभी मैं इसके अंदर कुछ भी फ़ोटो वगैरह डाल रहा हूँ, तो देखना आप अभी कैसे ये काम करता है। मैं ये फ़ोटो डाल रहा हूँ इस पर, ठीक है, और ये यहाँ पे डाल रहा हूँ सिग्नेचर, कुछ भी डाल रहा हूँ। अभी देखिए मैं सबमिट करूँगा, यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो देखिए कि इस प्रकार से ये पोर्टल जो है वो काम करते हैं। ये देखिए अभी आपके सामने पैन कार्ड आ जाएगा, ये प्लीज वेट आ रहा है पैन प्रीव्यू। अभी देखिए किस प्रकार से आएगा, ये एक प्रकार से क्या है कि फोटोशॉप की तरह ही काम करता है। ये देखिए अभी मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, आपको सामने प्रीव्यू करता हूँ। ये देखिए अब इसका आप प्रिंट निकाल लो, ये देखिए ये प्रीव्यू बन गया। पैन कार्ड कैसा ही लगाओ नंबर, कैसा ही एक्स वाई जेड लिखो, कैसा ही नाम लिखो, ये है इस आधार प्रिंट का, वोटर आईडी प्रिंट का, या इनका काम। ये कोई गवर्नमेंट के द्वारा जारी नहीं किया गया है। ये देखिए कुछ भी सिग्नेचर आ रहा है, कुछ भी फ़ोटो लगा दो, सारा सब कुछ एक्सेप्ट है। अगले को पैन कार्ड बना के दे देते हैं। तो मार्केट में इस प्रकार का जो पोर्टल है वो आया हुआ है, तो इसमें आप जब भी किसी से पैन कार्ड बनवाएं तो गवर्नमेंट वेबसाइट के द्वारा ही आप पैन कार्ड बनवाएं, जैसे NSDL है, UTI है, या अन्य CSC सेंटर पे है, या ईमित्रा सेंटर पे है, वहीं पे आप इसका पैन कार्ड बनाने का कष्ट करें। यहाँ पे देखिए ये अभी देखिए ये पैन कार्ड आ गया, अब इसका प्रिंट मार करके हम अगले कस्टमर को दे देंगे। अगले कस्टमर के साथ गलती हो या कुछ भी हो, और पैन कार्ड का ऐसा मैटर होता है कि आपका 420 का केस होता है यदि आप इस प्रकार से गलती या फर्जी पैन कार्ड कहीं पर भी जमा कर देते हो बना करके। एज इट इज़ देखो पैन कार्ड जैसा ही यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, लेकिन मेरा उद्देश्य इस वीडियो बनाने का यही है। मैं कोई इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कभी इस प्रकार के काम करने की एडवाइस देता हूँ किसी को, और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ तो ये डिलीट भी हो रहा है। तो इस प्रकार का कोई भी फर्जी काम जो है वो आप न करें। और ये जो इस प्रकार के जो पोर्टल देते हैं लोग, सबसे पहले आपको ये बोलेंगे कि फ्री पोर्टल देते हैं। ये जो पोर्टल है वो मैंने भी फ्री लिया था और ऐड डाल रखी थी, तो मैंने अपना वीडियो बनाने के लिए चलो अब देखता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। मैं इतने दिन तो पोर्टल लिया ही नहीं था, अभी मैं देखता हूँ इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर जब मैंने देखा तो इसके अंदर तो सारा इस प्रकार से हो रहा है, आप कुछ भी कर लो इसके अंदर से ये बनेगा थोड़ी। तो ये जो चीज़ है आप पूरे ध्यान से देखें। UID का, आधार का डाटा भी ये जो है वो देखिए आधार मैनुअल ये लिख रखा, तो आधार मैनुअल पर हम क्लिक करेंगे। और अभी आपके सामने देखिए मैं आधार कार्ड भी बना करके दिखाता हूँ, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, ये आधार नंबर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नाम डाल दो, कुछ भी नाम हो गया, ये फादर का नाम हो गया, ये आपका घर नंबर हो गया, ये आपकी गली हो गई, ये आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, ये आपका स्टेट हो गया, ये आपका सिटी हो गया, ये आपका पिन कोड हो गया, और ये डेट ऑफ बर्थ आई गई, और ये लोकेशन हो गया, जेंडर मेल फीमेल हो गया, यहाँ पे जेंडर लोकल ये लिख दिया, और यहाँ पे लैंग्वेज जो है कुछ भी सिंधी या तेलुगु या जो भी है हिंदी डाल देते हैं, इंग्लिश डाल देते हैं, समझ में आ जाएगा आपके कहानी क्या है। एक मिनट, इंग्लिश नहीं है इसके अंदर, हिंदी डाल देते हैं, ठीक है, हिंदी हो गया। अब यहाँ पे हम इमेज सेलेक्ट करते हैं, ये हमने इमेज सेलेक्ट कर ली, ओके किया। अब देखते हैं, देखिए अब इसको हम सबमिट करेंगे, सबमिट करते हैं, देखिए अभी आपके सामने कैसे आधार निकल जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से मार्केट के अंदर आप लोगों को जो है वो किया जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे डाल दिया अमाउंट 20 रुपये पैड, यानी ये जो है अब यहाँ से 20 रुपये ले लेंगे,
मतलब कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे आप डालोगे पेमेंट गेटवे बना रखा है, पोर्टल ले लिया उन्होंने, पेमेंट गेटवे बना दिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो डिटेल डाली थी वो क्या सही डाली थी? अभी यहाँ पे मैं 20 रुपये देते आधार जो है इनका डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी आधार कार्ड बनाइए, कुछ भी है, गाय भैंस बकरी का किसी का भी आधार कार्ड बना सकते हो, तो वो यहाँ से बन जाएगा। लेकिन आप लोग हमेशा ये ध्यान रखें कि इस प्रकार का पोर्टल जो है वो कभी भी न लें, या इस प्रकार के पोर्टल पे जहाँ पर काम हो रहा हो ये एक प्रकार से फोटोशॉप है, एक प्रकार से ये जो काम है वो फर्जी है, गैरकानूनी है, या इस प्रकार के काम जो है आप करके एक बार किसी से 100-200 रुपये ले सकते हो, लेकिन वो जब व्यक्ति फंसता है तो आपकी नंबर जो है वो निश्चित रूप से आएगा। तो इस प्रकार का कोई भी पोर्टल आप न लें और सावधानी बरतें। हमेशा ही आप कम काम करने की कोशिश करें, कम मेहनत यदि आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रकार का काम आप न करें जिससे कि आपको कोई समस्या का सामना करना पड़े। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपके सामने जो भी चीज़ थी वो मेरे को दिखाना था। तो इस प्रकार से आप जो हैं पोर्टल यदि लेते हो तो सावधानी बरतें। इस प्रकार के लोग क्या करते हैं, पहले आपको आईडी फ्री देंगे, फिर बोलेंगे इसमें पॉइंट डालो, पॉइंट डालने के लिए 500 दे, 1000 दे, 100 दे, 200 दे, तो इस प्रकार से आपसे बात करेंगे और वो पैसा देंगे, और ज़बरदस्ती बोलेंगे आपने हमसे आईडी क्यों ली। बाद में आपसे आप ये कह दोगे कि आपने आईडी डिलीट करो, बोलेंगे कि हमसे आईडी क्यों ली। तो इस प्रकार के जो पोर्टल हैं उससे आप सावधानी बरतें, यही मेरा उद्देश्य है। सूचना असली की चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।